नमस्कार साथियों, सूरज सिंह नेगी सर द्वारा चलाई जा रही पाती की मुहिम में मैं मोहित आप सभी के सामने प्रकृति की पाती मानव के नाम अपनी पाती आप सभी से साझा कर रहा हूं, जो इस प्रकार है। मेरे मित्र भविष्य, मुझे तुमसे डर लगता है। मैं प्रकृति तुम्हारी नीति प्रीति को संजोती, तुम्हारी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर सोती, तुम्हारे छिन्न भिन्न कुकर्मों को मैं सदा ढोती। पंख कटे पक्षी के समान तन वन लिए होती हूँ, तुम्हारे लिए तपती हूँ, ढकती हूँ, पुनः आस के बीज बोती हूँ। तुम सोचते हो कि जीने का हक सिर्फ तुमको ही है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं पशु पक्षियों को नहीं। मुझे माँ के जैसा दर्जा देने वाली भारतीय संस्कृति, इसमें कोई शक शोभा नहीं है कि तुमने मुझे प्यार माँ के जैसा ही दिया है। लेकिन क्या कभी इस पर गौर किया है? जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को बिना भेदभाव के निरपेक्ष प्रेम से गीला करती है, उसी प्रकार मैं भी बिना किसी आशा के तुम्हारी ख्वाहिशें धड़ल्ले से पूरा करती हूँ। चाहे वो वृक्ष हो जिसके छांव तले तुम सुकून पल गुजारते हो, खुद पर प्रहार के बदले वो तुम्हें फल और फूल देता है। चाहे वो नदी हो, पोखर या झरने हो, जो बिना अपेक्षा के अपने शीतल जल से तुम सभी की प्यास बुझाते हैं। वही सूर्य जो बिना रुके बिना थके प्रकाश और धूप देता है, और ये धरती खुद की छाती को चीरने के बदले हमारी भूख शांत करती है। आज आपकी प्रकृति भी आपकी माँ की स्थिति में है। जिस प्रकार आज माँ सिर्फ रसोई के लिए बनकर रह गई, उसी तरह मुझे भी सिर्फ दोहन के लिए बनाकर रख दिया। कभी देखिए उन विशाल पहाड़ों को, रो रहे होते हैं वो अपने ही चीथड़ों को देखकर। उनके व्यवहार में ये कड़कपन तोहफा तुमने ही तो दिया है। वो सख्त वृहद आसमानों को छू लेता था जो स्वार्थ की चोट से कराह उठा है। उसके चट्टान से टूटा अंग पत्थर रूप लिए चीख कर कहता है अपनी कहानी। पूजे जाने वाले कभी दीपों से हथौड़ों की मार असहनीय है। तुम्हारे इस मशीनरी जमाने में हृदयहीन है सब। मेरे हर भाग में, उस पहाड़ के टूटे हर कंकड़ में असंवेदनीय पीड़ा का दर्द झलक रहा है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि एक के बाद एक आपदाएं क्यों आ रही है? क्या मेरा रूप आप सभी को विकराल नजर आ रहा है? क्यों मैं मानव जाति से इतनी क्रोधित हो गई हूं? क्योंकि इन सभी के जवाब और जिम्मेदार आप हैं। जो आप मुझे देंगे वही मुझसे वापस पाएंगे, जो आप बोएंगे वही तो आप काटेंगे। आप सभी ने तो मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया। आप लोगों को मेरी परवाह ही नहीं, आप हमेशा से मुझे नजरअंदाज ही तो करते आए हैं। आपने अपनी जिम्मेदारियां समझी ही नहीं, बस पैसा कमाने के चक्कर में अपने कर्तव्यों को भूल बैठे हैं। आपके पास इतना समय ही नहीं है कि आप लोग मेरी ओर ध्यान दें। आपकी सरकारें मेरी सुरक्षा के नाम पर योजनाएं तो बनाती रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद ठंडे बस्ते में चली जाती है। जब तक आप सभी मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, तब तक सरकारें कुछ भी कर लें वे सफल नहीं हो पाएगी। जो करना है तुम्हें ही करना है। आपको मेरी रक्षा की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि अपने जीवन का अंग मानकर चलना होगा। समय आ गया है अब परिवर्तन की धारा में अप्रत्याशित रूप से मेरा दोहन किया गया। खुद को संपूर्ण मानकर मनुष्य ने मेरे क्रियाकलापों के साथ छेड़खानी की, अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु मेरे सृजन में हस्तक्षेप किया। अब मैं खुद को संतुलित स्थापित कर रही हूँ, ताकि
अपनी विरासत को संजो सकूं। मैं तुम्हारी प्रकृति। धन्यवाद।